दोस्तों, क्या आप अपने प्रेमी को अपने वश में करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी वही करे जो आप उससे कहें? चाहे वो आपके मन की बात हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप जो कहते हैं वही बात आपका प्रेमी नहीं करता है। और अगर आप चाहते हैं कि सच में आपका प्रेमी भी वही सब करे, हर बात आपकी माने जो आप उससे कहना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, किसी को कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि ये एक इस तरह का अचूक उपाय है जिससे कि आपका जो प्रेमी है, जिससे आप भी प्यार करते हैं और वो भी आपसे बहुत प्यार करता है, तो आप उसे अपने मन की बात करवा सकते हैं। ये एक अचूक उपाय आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे आपको पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से करना है और इसका फल आपको तुरंत ही मिलता है। तो सबसे पहले जो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा, वो लेना होगा एक पीले रंग का नींबू, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और इसके अलावा आपको चाहिए होगी 11 लौंग, तो आप 11 लौंग ले लीजिए। इस तरह से साबुत लौंग आपको लेनी है, टूटी हुई या फिर जिसमें इस तरह से इसके ऊपर फूल ना हो, उस तरह की लौंग नहीं लेनी है। अब आपको एक लाल सिंदूर की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो आप अपने सामने लाल सिंदूर रख लीजिए और आप काली माता की फ़ोटो सामने रख लीजिए। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप अपने मोबाइल में भी फ़ोटो निकाल कर और फिर अपने सामने रख सकते हैं। उनके सामने दिया लगाइए, दिया घी का या तेल का आप जला सकते हैं, उनके ऊपर फूलमाला अर्पित करें और उसके बाद आप सामने बैठ जाएं। श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना है। तो एक नींबू ले लीजिए, नींबू में आपको ये लौंग डालनी है। तो इसके लिए सही तरीका ये होता है कि पहले आप नींबू में किसी कील की सहायता से ऐसे इस तरह से छेद कर दीजिए और उसके बाद जब आप इसमें लौंग डालेंगे तो वो आसानी से चली जाएगी। इस तरह से आपको 11 बार छेद करने हैं पूरे नींबू में, और जहां जहां पर मैंने अभी कील से छेद किया है, ठीक उसी जगह पर आप लौंग को इस तरह से दबाकर इसमें डाल दीजिए, क्योंकि नींबू की जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, वो बहुत कड़क होती है, जिसमें कि लौंग आसानी से नहीं घुसेगी। इसीलिए पहले कील की मदद से आप इसमें छेद कर दीजिए और उसके बाद आप इसमें जब लौंग डालेंगे तो वो आसानी से चली जाएगी। जब आप इसमें 11 लौंग डाल देंगे दोस्तों, तो उसके बाद ये कुछ इस तरह से दिखने लग जाएगी। अभी मैंने सिर्फ इसमें 4 लौंग ही डाली हैं, लेकिन जब आप पूरी लौंग इसमें डाल देंगे तो नींबू इस तरह से दिखने लग जाएगा। बाकी की लौंग भी आप इसमें डाल दीजिए और उसके बाद आपको इसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाना है। इस तरह से सिंदूर लगा दीजिए और उसके बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा दोस्तों। मंत्र है, ओम नमो कामाख्या देवी ममता नामे वशे कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको बोलना है, इस मंत्र को आपको बोलना है 51 बार। 51 बार मंत्र को बोलने के बाद आपको नींबू को आदेश देना है कि वो आपके प्रेमी को आपके वश में कर दे। नींबू में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, नींबू आपकी मदद करेगा आपके प्रेमी को आपके वश में करने में। ये आपको पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से माँ के सामने बैठकर आपको ये उपाय करना है और यकीन मानिए ये उपाय तुरंत काम करता है। जिस दिन आप इस उपाय को कर रहे हों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोई आपको टोकने वाला ना हो, क्योंकि ये एक तरह का चमत्कारी उपाय है जो कि तभी काम करता है जब कोई इस पे टोक ना लगाए या किसी को इसके बारे में ना पता हो। तो चुपचाप किसी एकांत कमरे में बैठकर आपको ये उपाय करना है और इसका आपको तुरंत फल मिलेगा। मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए इस मंत्र को यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। मंत्र है, ओम नमो कामाख्या देवी ममता नामे वशे कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे एक कागज पर लिखकर और उसके बाद इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये उपाय पूरा हो जाएगा और आपका प्रेमी आपके वश में आ जाएगा। तो ये आज का उपाय था दोस्तों, इसे आप कीजिए। तो ये हमारा आज का वीडियो था जो आपने देखा। अगर आपके कोई और सवाल हैं, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। धन्यवाद।